अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने जहां ईमेल हैकिंग के पीछे रूस को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं नौकरियों की आउटसोर्सिंग को खत्म करने का वादा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने सबसे पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की कथित हैकिंग के पीछे रूस का हाथ होने की बात को कबूला। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रूस दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उनके नेतृत्व में रूस अमेरिका को और ज्यादा सम्मान देगा। इसके बाद ट्रंप ने अपने खिलाफ जारी हुए एक डोजियर को पूरी तरह से फर्जी बताया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ रिपोर्टर्स ने रूस के पास ट्रंप की खुफिया जानकारी होने का दावा किया था, जिस पर ट्रंप खुफिया एजेंसियों और मीडिया पर भड़क गए और उन्हें नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। वहीं इस दौरान ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा नौकरियों की आउटसोर्सिंग अब नहीं की जाएगी। दरअसल इस महीने की शुरुआत में ही अमेरिकी कांग्रेस ने एक बिल पेश किया है, जिसके तहत अमेरिका में काम करने वालों की न्यूनतम सैलरी $60,000 से बढ़ाकर $1,00,000 की जाए, ताकि वह अमेरिका में काम कर सके। बताया जा रहा है कि इससे भारत की आईटी इंडस्ट्री और गैर आईटी कर्मचारियों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा मेक्सिको विवाद पर ट्रंप ने कहा कि ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाएंगे, इसके लिए मेक्सिको से भी पैसे लेंगे। हालांकि मेक्सिको ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। तो बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वहीं अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके पैदा करने की बात कही। देखते रहिए डीबी लाइव।